अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने लव बर्ड को, यानी कि लव बर्ड आपके पास कोई भी है, लाइक मेरे पास प्रोटीनो है, अल्बाइनो है, फिशर है, आपके पास कोई भी है लव बर्ड में, आप उन्हें क्या सॉफ्ट फूड दे सकते हैं जिससे उनकी ब्रीडिंग अच्छी होगी, उनकी नशोनुमा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी और वो बच्चे अच्छे पालेंगे। गर्मियों में, सर्दियों में, सारा साल आपको ये सॉफ्ट फूड देना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आए मैं आपको दिखाता हूँ ये सॉफ्ट फूड में क्या क्या चीज़ है। दोस्तों ये देखें आप, ये हमारा सॉफ्ट फूड है, इसमें ये मैंने सारा मिक्स करके रखा हुआ है। इसकी क्वांटिटी, इसकी क्वालिटी और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये सारा आपको मैं इस वीडियो में बड़ी डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों इसमें आप ये देखें कि इसमें सबसे पहले आपको लेनी है गंदम, ये आप गंदम देख रहे हैं, ये आपको लेनी है। उसके बाद आप चना ले लें, उसके बाद हरी मूंग दाल जो साबुत होती है, हरी मूंग वो ले लें, और उसके बाद आपने लोबिया ऐड करना है। यानी कि तीन चार चीज़ें हैं, ये बड़ा क्लियरली आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा। गंदम है, हरी मूंग दाल है, चना है और लोबिया है। तो दोस्तों इसकी मिकदार आपने क्या लेनी है, इसकी मिकदार आपने जो गंदम है वो आपने मिसाल के तौर पे अगर 2 किलो की है, गंदम आपने 2 किलो की है तो आप चना 1 किलो कर लें, हरी मूंग दाल 1 किलो कर लें और लोबिया 1 किलो कर लें, ये बेस्ट इसकी है टेक्निक। हाँ, गंदम आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, 2 से 3 kg भी कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त फीड होती है। अब आपने ये सर्व कैसे करनी है, ये सॉफ्ट फूड आपने इन्हें देना कैसे है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने सॉफ्ट फूड ये देख रहे हैं, ये पानी में भिगोना है इस तरह। अब ये मैं रात को भिगोता हूँ, रात को भिगोया हुआ है पानी में, और ये अभी से 8 से 10 घंटे हो गए हैं, और जब ये 12 घंटे हो जाए, 24 घंटे हो जाएंगे, बेहतरीन सॉफ्ट फूड तैयार हो जाएगा। ये आप देख लेंगे पानी में भिगा हुआ है, ठीक है, और ये हम इंशाल्लाह कल सुबह इन्हें सर्व कर देंगे। इसमें आपने ये सिरका होता है, शेव का सिरका, ये लाजमी शामिल करना है। मिसाल के तौर पे आपने पानी में डाला, पहले उसे अच्छी तरह वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद पानी में भिगो दिया, और 1 से 2 ढक्कन इस सेब के सिरके के आपने इसमें लाजमी मिला देने हैं। इससे होता यह है कि जैसा कि आप गर्मी है तो गर्मियों में इस पर फंगस नहीं आती, इसमें स्मेल नहीं आती, ये 24 घंटे भी होने के बाद भी बेहतरीन रहता है। उस उम्मीद है आपको वीडियो का टॉपिक समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा आपको ब्रीडिंग के लिए अपने बर्ड्स को कौन सी सॉफ्ट फूड देनी है। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।